सलामैकम सर समद दाऊद आज बेटा हम जस्ट इन प्रीवियस वीडियो वी डेड वॉट सिंपल इंटरेस्ट सम चैलेंजिंग क्वेश्चन ना टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट सम चैलेंजिंग क्वेश्चन ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट आज हम इस वीडियो में कंपाउंड इंटरेस्ट के कुछ चैलेंजिंग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे पहला क्वेश्चन आ गया है पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर्टन सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट्स टू रुपीज टू फोर टू जीरो इन टू ईयर्स एंड टू डबल सिक्स टू इन थ्री इयर्स वी हैव टू कैलकुलेट दी इंटरेस्ट रेट दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट रेट एंड दिन इन्वेस्टेड सम मीन्स तो आपका दैट इज बेटा हो गया कि आपका दैट इज प्रिंसिपल निकालना है अमाउंट इन्वेस्टेड इज कॉल्ड इज वॉट आपका प्रिंसिपल अमाउंट तो so, हमें जो है वो आपका एक तो प्रिंसिपल निकालना, निकालना है और इंटरेस्ट रेट निकालना है हम पहले टाइम लाइन ग्राफ बना लेते हैं टाइम लाइन ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करते हैं आपका एक लाइन बना देते हैं लेट अस सपोज दैट ठीक है ना कितने साल की लाइन बना देते हैं ये तीन साल की लाइन बना देते हैं ज़ीरो वन टू एंड थ्री इज इट क्लियर ठीक है ये तीन साल की टाइम बना दी अटन सम मनी इन्वेस्टेड ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट रुपीज टू फोर टू जीरो इन टू ईयर्स यहां पे कितना हो गया है टू फोर टू फोर टू जीरो यहाँ पे कितना है बेटा टू डबल सिक्स टू इंटरेस्ट रेट निकालना है प्रिंसिपल निकालना है यहां होगा प्रिंसिपल ये निकालना है और आई परसेंट निकालना है इंटरेस्ट रेट मुझे कैलकुलेट करना है क्या करूंगा मैं थोड़ा सा दिमाग चलाएंगे तो आपको क्लिक हो जाएगा दिस इज कंपाउंड इंटरेस्ट टू फोर टू जीरो इट एट दफ टूयर्स वन कैन टेक दिस एज प्रिंसिपल आप ले लीजिए ना इसको प्रिंसिपल बिकॉज कंपाउंड इंटरेस्ट में हर नई वैल्यू प्रिंसिपल ली जा सकती है वी कान डू सच टाइप ऑफ थिंग इन सिंपल इंटरेस्ट हम बेटा सिंपल इंटरेस्ट में जीरो पे ही पी लेके चलते हैं बिकॉज सिंपल इंटरेस्ट वॉज सिंपल इंटरेस्ट इज चार्ज ओनली ऑन ओनली सिंगल प्रिंसिपल कंपाउंड इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन एवरी न्यू प्रिंसिपल तो इफ आई एम टेकिंग दिस एज पी तो इसका आगे वाला क्या होगा एस टाइम कितना हो गया सर वन यानी कि एन की वैल्यू हो गई वन आई निकालना है एस कितना है टू टू सिक्स टू इजिकल टू टू फोर टू ज़ीरो इन टू वन प्लस आई की पावर क्या वन तो टू टू सिक्स टू डिवाइडेड बाय टू फोर टू ज़ीरो माइनस वन इजिकल टू आई आई की वैल्यू आ जाएगी टेन परसेंट मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड करने के बाद ये आंसर हो गया मेरा यस yes. पहला 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 आंसर आ गया ये आंसर डन सेकंड थिंग वी हैव टू कैलकुलेट इज द प्रिंसिपल हाउ टू कैलकुलेट प्रिंसिपल इट इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट वेरी सिंपल ये पी है बेटा ये वाला एस हो गया दो साल का दिस इज what two ईयर एस इसे पी ले लूँगा इसे एस ले लूँगा दो साल वाला two four two zero को और मैं कैलकुलेशन करके पी निकाल लूंगा now two four two zero इज इक्वल टू what uh, आपका अपना p इन टू वन प्लस टेन परसेंटे पॉइंट वन एन कितना ले लिया टू ले लिया p को कैलकुलेट करेंगे लाइक दैट टू फोर टू जीरो अपॉन वन पॉइंट वन की पावर टू ना पी इजिकल टू वॉट कितना आ गया टू थाउजेंड फनिश आंसर दो पार्ट निकालने के लिए देगा तो दो दो मार्क के दो पार्ट देगा एग्जामिनर विल आस्क इन वोट टू पार्ट ये दो पार्ट में आपका तरह इस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए देगा दैट मीन्स यू कैन वॉट गेट फोर मार्क्स फ्रॉम दीज टू पार्ट ये दो आंसर हो गए दोनों पार्ट के पहला क्वेश्चन मैंने अलहमद फिनिश कर दिया दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप किसी भी आपका तेरेज टेक्स्ट बुक में देखेंगे सर्च करके देखेंगे इस किस्म के क्वेश्चन हर जगह मौजूद होते हैं आई कैप इज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन सच टाइप ऑफ क्वेश्चन तो शेल वी मूव टू वर्ड्स वॉट सेकेंड क्वेश्चन पहला चला गया बेटा सेकेंड ना सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं हम ना दिस इज वॉट पास पेपर क्वेश्चन एक चीज मैं आपको क्लियर कर दू ये पास पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है मैनुअल पेपर में पास पेपर में ये क्वेश्चन आया था स्टिल इट इज इट हैज वेरी वेरी मतलब इसकी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है दिस कैन बी आस्ट इन वॉट एग्जामिनेशन ये एग्जाम में पूछ सकता है बिल्कुल ठीक है ना क्वेश्चन आपका दैट इज क्वेश्चन में ऐस कुछ भी नहीं है एक छोटी सी गलती हो जाती है स्टूडेंट से इस क्वेश्चन को करने में समझने में गलती हो जाती है वट ही से वी रीड द क्वेश्चन एंड डिसाइड इफ द दॉपुलेशन वाउन इंक्रीज एवरी ईयर बाई टू परसन ई ग्रोथ रेट विद रिस्पेक्ट टू पॉपुलेशन ग्रोथ रेट विद रिस्पेक्ट टू पॉपुलेशन इज ऑलवेज कंपाउंडेड आप किसी भी चीज की ग्रोथ को लेंगे तो हम कंपाउंडेड जनरली कंसिडर करते हैं आपको इंटरेस्टिंग थिंग ये नजर आएगी इसमें द वर्ड कंपाउंड इन इंडिया लिखा होगा बट विद रिस्पेक्ट टू पॉपुलेशन है इफ़ द पॉपुलेशन ऑफ वाउन इंक्रीज इज एवरी ईयर बाई टू परसेंट ऑफ टोटल पॉपुलेशन एट द बिगनिंग ऑफ दैट ईयर जितने हर साल के बिगनिंग में उसका दो परसेंट बढ़ रही है इसका मतलब एट द बिगनिंग ऑफ एवरी न्यू ईयर वट एवर मे बी द वैल्यू ऑफ द पॉपुलेशन उसका दो परसेंट बढ़ती है यानी ग्रोथ रेट इज टू परसेंट यस ये ग्रोथ रेट है बेटा इसको आई ले लिया पॉइंट जीरो टू ना आगे गया है इन हाउ मेनी ईयर विल द टोटल इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन बी फोर्टी परसेंट यहाँ गलती होती है अगर मैं प्रेजेंट वैल्यू पॉपुलेशन की क्या ले लू एक्स फॉर एग्जाम्पल तो ये फोर्टी परसेंट ऑफ एक्स जो है ये इंक्रीज है आप लोगों से बेकार गलती क्या होती है कि आप इसको फ्यूचर वैल्यू समझते हो दिस इज नॉट फ्यूचर वैल्यू दिस इज इंक्रीज वॉट इज इंक्रीज फोर्टी परसेंट ऑफ एक्स इज इक्वल टू पॉइंट फोर एक्स तो फ्यूचर वैल्यू क्या हो गई एस इज इक्वल टू एक्स प्लस पॉइंट फोर एक्स एम आई राइट तो एस इज इक्वल टू क्या हो गया वन पॉइंट फोर एक्स एम आई राइट यस तो वी हैव टू कैलकुलेट फॉर दी नंबर ऑफ ईयर्स एन निकालना है यस सर तो एन को निकालने के लिए क्या करेंगे फार्मूला वही तो है सी टू पी इन टू वन प्लस की पावर एन तो ना वोट इज एस वन पॉइंट फोर एक्स इजल टू पी क्या एक्स वन पॉइंट जीरो टू पावर एन एक्स एक्स कैंसल वन पॉइंट फोर इजल टू वन पॉइंट जीरो टू की पावर एन कैलकुलेट एन फ्रॉम कैलकुलेटर वी गेट एन इज टू हाउ मेनी ईयर्स 17 ईयर्स आंसर आ गया दो मार्क मिले सेकेंड चैलेंजिंग क्वेश्चन गॉन दिस इज पास पेपर क्वेश्चन ऑप्शन दिए हुए होंगे मैंने यहां विदाउट ऑप्शन सेवनटीन ईयर्स डायरेक्ट सोल्यूशन किया आप डाटा ना लिख के डायरेक्ट कैलकुलेटर पे जाके भी सॉल्व कर सकते हैं यस सर सेकंड चैलेंज इज गॉन अलहमदुल्ला थर्ड पे आ जाते हैं यस नाउ दिस इज थर्ड तीसरे चैलेंज पे पहुंच गए हैं दो का मैंने करवा दिए थर्ड चैलेंज इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग ये थोड़ा सा और ये भी इंटरेस्टिंग है यस वॉल्टर इन्वेस्टेड रुपये फाइव थाउजेंड बैंक डिपॉजिटेड अमाउंट डिपॉजिट अमाउंट विच पेज इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ नाइन परसेंट पर एन एम एडेड टू दर वगेन कंपाउंड हो गया हर नए साल के बिगनिंग में जो भी आपका दर इज इंटरेस्ट आता है दैट इंटरेस्ट विल बी एडेड फॉर द नेक्स्ट कमिंग ईयर तो इट मीन एवरी न्यू इयर द प्रिंसिपल डिफरेंट दैट्स वाई क्वेश्चन किसका कंपाउंड इंटरेस्ट का ही मेड वन विदड्रॉल ऑफ रुपीज फिफ्टीन हंड्रेड एट द एंड ऑफ थ्री इय उससे तीन साल के एंड पे आपका थे पंद्रह सौ रुपये निकाल लिए वॉट वॉज द बैलेंस इन अकाउंट एट द एंड ऑफ फाइव ईयर्स टू द नियरस्ट रुपीज पाँच साल का टेबल बनेगा वी वी ट्राई लेवल बेस्ट टू डू ऑन टेबल हम टेबल पे ही कर लेते हैं हम पाँच साल का टेबल बनाते हैं आप देखिएगा ज़रा ध्यान से जीरो वन टू थ्री फोर दिस इज फाइव वट आपका दट इज वॉल्टर डेड दिस इज ईयरस वॉल्टर इन्वेस्टेड रुपीज फाइव थाउजेंड अमाउंट इन्वेस्टेड नाव टू डे एटवंस इमीजिएटली इसकॉल इज प्रेजेंट वैल्यू तो प्रेजेंट वैल्यू नाव दिस इज बेस ईयर ज़ीरो ईयर बेस ईयर यहाँ अमाउंट इन्वेस्ट हुआ है कितना पाँच हज़ार ये पाँच हज़ार हो गया

रुपीज फिफ्टीन हंड्रेड ठीक है एट द एंड ऑफ थ्री इयर्स ठीक है व्हाट वाज़ द बैलेंस इन द अकाउंट एट द एंड ऑफ फाइव इयर्स मुझे यहां बैलेंस निकालना है कि अमाउंट फाइनली कितना बचा वेरी इंटरेस्टिंग नथिंग एल्स क्या करेंगे कुछ नहीं सर पहले पांच हजार को तीन साल पे ले आओ यस yes? फाइव थाउजेंड है इसकी कंपाउंडिंग करवा दो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज व्हाट कंपाउंडिंग यानी कि इसका एस निकाल दो एस इजिगल टू व्हाट पी इंटू वन प्लस आई की पावर एन तो एस इजीगल टू पी कितना है पाँच हज़ार वन प्लस आई कितना है पॉइंट ज़ीरो नाइन द पावर फाइव कि जो भी एस आएगा जो भी एस आएगा आप कैलकुलेशन करके यहां निकाल देंगे एस ये आ गया यहां पर एस वॉट एवर मे बी द वैल्यू ऑफ एस वी गेट वी शैल पुट हियर ये हो गया यहां पे पांच हजार इंटू वन पॉइंट जीरो नाइन की पावर क्या फाइव एम आई राइट इसमें से इस 1500 को क्या करेंगे माइनस बिकॉज यहां से इसने विड्रॉ कर दिया तो रिमेनिंग बैलेंस एट द एंड ऑफ थ्री इयर्स कितना बचा वो हम यहां निकाल सकते हैं रिमेनिंग बैलेंस एट द एंड ऑफ थ्री इयर्स, दिस विल बी व्हाट पांच हजार इंटू वन पॉइंट जीरो नाइन की पावर क्या फाइव माइनस पंद्रह जो भी अमाउंट बचेगा जो भी अमाउंट रिमेनिंग यहां बचेगा इसकी आप क्या निकाल लेंगे फ्यूचर वैल्यू इसकी फर्दर क्या करवा लेंगे कंपाउंडिंग यानी कि इस अमाउंट का एस निकाल लेंगे कहां पे एस इजल टू पी इंटू वन प्लस आई की पावर एन कि जो भी अमाउंट आया होगा उसे यहां पुट करेंगे वन पॉइंट जीरो नाइन रेस टू द पावर क्या रेस टू द पावर क्या टू फाइनल आंसर इधर आ जाएगा एस जो फाइनल आंसर आएगा वो कितना आएगा फाइव नाइन डबल वन यस दिस इज व्हाट योर आंसर ये आंसर है येस दिस इज वॉट थर्ड चैलेंजर तीसरा चैलेंजर मैंने अलमदुल्ला सोल्व किया ऑल थ्री आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तो पहले हमने किया क्या क्या पाँच हज़ार को तीन साल पे लेकर आए उसका एस निकाला देट इज फ्यूचर वैल्यू पाँच हज़ार की फ्यूचर वैल्यू में से विद्रॉ अमाउंट फिफ्टीन हंड्रेड था हमने वो कैलकुलेट कर लिया वॉट एवर मे बी दी अमाउंट लेफ्ट उसे हमने प्रेजेंट वैल्यू लिया अगले दो साल के लिए और अगले दो साल की हमने फ्यूचर वैल्यू निकाल ली जो फ्यूचर वैल्यू आई वो फाइव नाइन नाइन वन थी दिस विल बी वॉट दी आंसर ये आपका आंसर आ गया दिस इज चैलेंजर थ्री नाउ कमिंग टू वर्ड वट चैलेंजर फोर यस ये आ गया चैलेंजर फोर यस अब ये देखिए दिस इज ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है दिस इज वॉट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ठीक है ना रीड करता हूँ मैं इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी पास पेपर का क्वेश्चन है बट ये पास पेपर में आपका पार्ट्स में नहीं आया था हमने इसको पार्ट्स में कर दिया अलमदुल्लह तो वी सी दैट के इसमें आपका किस तरीके से एग्जामिनर जो है वो आपका क्वेश्चन पूछ सकता है ये मैंने यहाँ पर डिटेल कर दिया है पूरा फर्स्ट पार्ट पार्ट बना दिए मैंने द मैनेजमेंट ऑफ स्कूल हैविंग वन थाउजेंड स्टूडेंट एस्टिमेट दैट नंबर ऑफ स्टूडेंट विल ग्रो एट द रेट ऑफ सिक्स पर है

कितनी है वन थाउजेंड मुझे फ्यूचर वैल्यू ऑफ स्टूडेंट निकालना है एस निकालना है ये सर एन इजीवल टू क्या लूँगा इन द टेंथ ईयर बोला है तो एन इजीगल टू नाइन ग्रोथ रेट कितना है सिक्स परसेंट पॉइंट जीरो सिक्स नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द टेंथ ईयर एस इजल टू पी पी कितना है वन थाउजेंड पावर नाइन वन सिक्स एट नाइन इज द आंसर लीजिए जरा पहला पार्ट हो गया अलहमदुल्ला फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया आंसर सेकंड पार्ट यस सेकंड पार्ट इज व्हाट व्हाट विल बी दी प्रोपोज प्रोजेक्टेड एक्सपेंडिचर इन द टेंथ ईयर अब मुझे एक्सपेंडिचर निकालना है दसवें साल वेरी सिंपल प्रेजेंट एक्सपेंडिचर क्या है सेकेंड पार्ट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेंडिचर कितनी है पी जीरोल टू फाइव पॉइंट फाइव मिलियन मिलियन में कितने जीरो होते हैं छ अभी कितने आएंगे बेटा पांच डेसिमल है ना 5.5 मिलियन को डायरेक्टली पूरे रुपीज़ में मैंने कन्वर्ट कर दिया फ्यूचर वैल्यू ऑफ मुझे क्या निकालना है एक्सपेंडिचर यानी कि मुझे वही एस निकालना है यस yes. एक्सपेंडिचर का ग्रोथ रेट क्या है एट परसेंट दिस इज आई यस मुझे आपका टेंथ ईयर में निकालना है तो एन इज इगल टू नाइन वही फार्मूला एस इज टू पी ना वट इज़ पी फाइव पॉइंट फाइव मिलियन हाउ मनी ज़ीरोज पाँच यस वन वन पॉइंट जीरो एट रेस्ट टू द पावर नाइन ठीक है वॉट इज द आंसर एज फिजिकल टू कितना आ जाएगा वन ज़ीरो डबल नाइन वन ज़ीरो डबल नाइन नाइन फोर फाइव टू फाइव पॉइंट फोर फाइव यस One zero one zero double nine four five point two five four five two five point two five. double 9, 4, this will be the answer, yes. सेकेंड पार्ट गॉन दो दो माँ के दो पार्ट बना दिए ना थर्ड पार्ट ना लुक हर एक्सक्यूज मी थर्ड पार्ट इज वॉट आपका तीसरा पार्ट देखा जाए तो हाउ मच फी शुड बी चार्ज फ्राम ईच स्टूडेंट इन द टेंथ ईयर इफ़ इट विच इज टू ऑन ए प्रॉफिट ऑफ नाइन पॉइंट सिक्स मिलियन मेरे पास प्रॉफिट मौजूद है यस थर्ड पार्ट में अगर मैं देखूँ तो मेरे पास प्रॉफिट मौजूद है मुझे फीस निकालनी है कि कितनी चार्ज हो रही है एक स्टूडेंट से आई हैव टू थिंग प्रॉफिट इन द टेंथ ईयर कितना है प्रॉफिट टेंथ ईयर में कितना है नाइन पॉइंट सिक्स मिलियन यस एक्सपेंडिचर कितना है अभी हमने निकाला था एक्सपेंडिचर इन द देंथ ईयर ये ऊपर लिखा हुआ है वन जीरो डबल नाइन फोर फाइव टू फाइव पॉइंट टू फाइव एक्सपेंडिचर एंड प्रॉफिट द थर्ड थिंग विच आर कनेक्टेड तीसरी चीज कौन सी होती है प्रॉफिट इज इक्वल टू डैश माइनस डैश आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट के प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग माइनस कॉस्ट प्रॉफिट इज इक्वल टू डैश माइनस डैश रेवेन्यू माइनस कॉस्ट प्रॉफिट क्या होता है रेवेन्यू माइनस कॉस्ट वॉट इज कॉस्ट एक्सपेंडिचर तो प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या हो गया सिंस प्रॉफिट इज इक्वल टू वॉट रेवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर एम ए राइट वी हैव एक्सपेंडिचर इन द टेंथ ईयर वन जीरो डबल नाइन फोर फाइव टू फाइव पॉइंट टू फाइव वी हैव प्रॉफिट इन देंथ ईयर नाइन सिक्स फाइव जीरो नाइन पॉइंट सिक्स मिलियन मैं रेवेन्यू पे आ गया ना वी नो दैट रेवेन्यूज टू प्राइज इन टू क्वान्टिटी इन देंथ ईयर स्टूडेंट की क्वान्टिटी कितनी है वन सिक्स एट नाइन मैं हर स्टूडेंट की एक साल की फ़ीस अगर रुपीज एक्स लेट कर लूँ तो टोटल तो रेवेन्यू मेरे पास आपका दर इज़ टोटल रेवेन्यू स्कूल का कितना होगा वन सिक्स एट नाइन एक्स देखिए प्रॉफिट की जगह तो बेटा मैंने प्रॉफिट लिख दिया प्रॉफिट इज़ नाइन पॉइंट सिक्स मिलियन तो नाइन सिक्स हाउ मेनी जीरोस फाइव जीरोस रेवेन्यू इज टू प्राइस इनटू क्वांटिटी क्वांटिटी कितनी है आपका वन सिक्स एट नाइन ये स्टूडेंट थे एक स्टूडेंट से पूरे बारह महीने की फीस मैं लेट कर लेता हूं एक्स तो वन सिक्स एट नाइन से जो टोटल रेवेन्यू आएगा टोटल अर्निंग होगी जो मुझे मेरे पास पैसा आएगा वो कितना होगा वन सिक्स एट नाइन एक्स दिस विल बी द टोटल रेवेन्यू नो एक्सपेंडिचर इज वॉट वन जीरो डबल नाइन फोर फाइव टू फाइव पॉइंट टू फाइव यहाँ से मैं एक्स की वैल्यू निकाल सकता हूँ आराम से एक्स की जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू को मैं डिवाइड कर दूंगा किस से ट्वेल्थ से तो मेरे वहाँ पर मंथ फीस आ जाएगी एक बच्चे की ये जो फीस होगी एक्स ये जो अमाउंट होगा ये फी ऑफ़ व्हाट फी ऑफ वन ईयर होगी पूरे एक साल की होगी ठीक है ना पर मंथ के लिए डिवाइडेड बाई ट्वेल्व करेंगे तो जो मेरे पास आपका फ़ीस आएगी वो आएगी आपकी दैट इज कितनी फीस आएगी एक बच्चे के साथ कितनी फीस चार्ज होगी वन दिस मच अमाउंट ऑफ फीस चार्ज फ्रॉम ईच स्टूडेंट इन दी टेंथ ईयर ईच मंथ प्रेजेंटली वो पांच सौ रुपए चार्ज कर रहा है हर महीने के अगर 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 प्रॉफिट अगर, अगर, अगर चाहिए दसवें साल में नाइन पॉइंट सिक्स मिलियन एक्सपेंडिचर की ग्रोथ बताई हुई है उसने वी कैलकुलेटेड के एक्सपेंडिचर टेंथ ईयर में इतना होगा तो एक बच्चे के, के फीस कितनी चार्ज होगी ये मुझे निकालना है दसवें साल में टोटल बच्चे स्टूडेंट कितने थे वन सिक्स एट नाइन तो रेवेन्यू मैंने एक्स किया एक्स की वैल्यू निकाली दैट विल गिव यू व्हाट ये देगी आपको फीस पूरे एक साल की बारह महीने की तो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट पर मंथ फीस वी शल डिवाइड व्हाट दी होल अमाउंट बाय 12 तो हमारे पास आ गए 1016 ये आ गई आपकी देयर इज एक बच्चे की फीस 10वें साल में पर मंथ फीस आ गई दिस इज व्हाट पर मंथ फीस पर मंथ फी इन द 10th ईयर दिस इज वॉट योर आंसर आंसर ऑफ विच पार्ट थर्ड पार्ट फोर्थ एंड द फाइनल पार्ट पे हम पहुंचेंगे इनशाला और चौथे पार्ट को हम रीड करके तो देखेंगे इसमें करना क्या है ना फोर्थ पार्ट सर पार्ट फोर्थ एट वॉट कॉन्सेंट्रेट द फीस शुड भी इंक्रीज सो देटेंट परसेंटेज इंक्रीज इच ईयर यार प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फीस कितनी है रुपीज फाइव हंड्रेड फ्यूचर वैल्यू कितनी है अभी तो निकाली फ्यूचर वैल्यू आपकी दैट इज फीस की कितनी है वन ज़ीरो वन सिक्स फ्रॉम ई स्टूडेंट वट इज सेंग यार पाँच सौ से एक हज़ार सोलह तक मुझे फीस को ले जाना है दस साल में वो कॉन्स्टेंट रेट क्या है कि मैं आसानी से आपका पेरेंट्स को बता सकूं कि देखिए भाई हमारी फीस आज पाँच सौ रुपये है हमारी फीस एक कॉन्स्टेंट रेट से ही बढ़ेगी और दस साल में आपके बच्चे की पर मंथ फीस एक हज़ार सोलह हो जाएगी वो कांस्टेंट रेट निकालना है मुझे और आपको दोनों को पता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है आई एस रूपी इंटू वन की पावर एन में आई जो होता है इट शुड रिमेन सेम कांस्टेंट यही कांस्टेंट रेट मुझे निकालना है तो मुझे वो कांस्टेंट रेट आई निकालना है एन इज इगल टू वो मैं नाइन ले लूँगा देर फॉर वॉट आपका एस इज ईगल टू वन जीरो वन सिक्स इज इगल टू फाइव हंड्रेड इंटू वन प्लस आई की पावर क्या एन कितना नाइन ले लिया वन जीरो वन सिक्स पॉइंट वन वन डिवाइडेड बाय फाइव हंड्रेड इक्वल टू वन प्लस आई की पावर नाइन आई बेटा कैलकुलेट कर लेंगे आई जो आएगा वो एट पॉइंट टू फोर समथिंग आएगा नियर इतना आएगा दिस इज नाट दी आंसर ये चौथे पार्ट का भी आंसर हो गया इन दिस में मैंने चार चैलेंजिंग क्वेश्चन आज की वीडियो में कंप्लीट किए अलहमद होप दैट के आपको दैट इज़ अंडरस्टैंडिंग लेवल सही रहेगी इनशाला हम नेक्स्ट वीडियो पे आएंगे जब तो हम नेक्स्ट चीज़ को लेकर आएंगे इनशाला तो आज के लिए ये चार चैलेंजिंग क्वेश्चन काफ़ी सिंपल इंटरेस्ट के भी रेडी हो चुके हैं परसेंटेज के भी रेडी हैं बेटा तो तीन आपके चार चैलेंज मैंने कर लिए अलहम्ला थैंक यू वेरी मच